बीती रात उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान ने दस्तक दी। कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली, कहीं कहीं बारिश भी हुई। हालांकि ये तूफान पिछले तूफान से कमजोर रहा और इसमें किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें आशंका लगाई जा रही है कि तूफान ज्यादा खतरनाक होगा। बता दें, इस तूफान के चलते मौसम विभाग के अधिकारियों ने कई जिलों में ज्यादा अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, और वहीं इस तूफान की वजह से प्रशासन ने प्रदेश में कई जगह स्कूल बंद करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। इससे पहले जब यूपी में तूफान आया था तो इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और किसानों ने खेती पर भी काफी असर पड़ा। वहीं कुछ दिन पहले जब गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ था, देखा जाए तो इस बार की आसमानी तबाही का असर सबसे ज्यादा यूपी में पड़ा है। कुदरत के स्रोत से बचने के लिए लोगों ने कई जगह पर पूजा पाठ भी किया, लेकिन तब भी ये तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।